रायबरेली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अराजक तत्वों ने हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री को जमकर पीटा। हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री सुधीर मिश्रा को दबंगों ने जमकर पीटा। कार सवार युवकों ने जिला मंत्री की जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को करवाया शांत। मारपीट का पूरा वाक्या कैमरे में कैद हो गया। देखिए किस कदर हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री को खुलेआम दबंगों द्वारा पीटा गया है। इस मामले को देखने के लिए रायबरेली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। जिले की कानून व्यवस्था लाचार दिखाई पड़ रही है। जनपद के उचाहार थाना क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। मारुत त्रिपाठी, जिला महामंत्री हिंदू वाहिनी। आज क्या घटना हुई? आज जमुनापुर चौराहे पर हमारे संगठन के जिला मंत्री सुधीर मिश्रा जी के साथ मारपीट की गई है। सुधीर मिश्रा जी पैदल कहीं जा रहे थे तो मारुति वैन से कुछ बदमाश कहीं जा रहे थे, उन्होंने उनको पहले ठोंका और उनके साथ मारपीट की। और मारपीट इस कदर थी कि वो एक प्रकार से वो जानलेवा हमला था। फड़ोहे से बेलचे से उन पर वार किया गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव में मंत्री जी की जान बच सकी। आपको कैसे संज्ञान में आया? देखिए, दूरभाष के माध्यम से हमें जानकारी मिली। कुछ सामाजिक व्यक्तियों ने हमको फ़ोन किया तो तत्काल प्रभाव से हमने मामले को संज्ञान में लिया। ऊंचा हर कोतवाल से बात कर वहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी है। अब जो भी दबंग हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराने का कार्य किया जा रहा है। अगर कार्रवाई ना हुई तो? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी, सरकार हमारी है। अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए कल कप्तान साहब से मिलकर के एक ज्ञापन दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा।